नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज़ में। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त ने सवाल किया है कि कथित तौर पर थलसेना की जीप में एक नौजवान को बांध देने का वीडियो सामने आने से स्थिति चिंताजनक पैदा हो गई, लेकिन सुरक्षा बलों पर पथराव के मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले पहलवान ने कहा कि विवादित वीडियो सामने आने के बाद थलसेना पर उंगलियां उठा रहे लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बाढ़ से बचाओ, फिर भी पत्थर खाओ, तब कुछ लोगों को परेशानी नहीं होती। अब सेना ने मारा नहीं, बस हाथ पैर बांध दिया तो स्थिति चिंताजनक हो गई है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है।